दोस्तों, हमने आपको पूरी शेख जायद मस्जिद घुमा दी है। आप देख सकते हैं रात का जो व्यूज़ है इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर रात का जो व्यूज़ है वो बहुत अच्छा लगता है। और देखो पीछे अभी अभी मगरिब की नमाज़ हुई है। अलग अलग लाइट्स लगाई हुई है। सुबह के लिए अलग लाइट होती है, दोपहर के लिए अलग लाइट होती है और रात में अलग लाइट जलती है। यहाँ पर तीन टाइप की लाइट्स दी गई है। और जो मेरे पीछे जो पिलर दिखाई है वो 1000 के ऊपर ये पूरे पिलर्स है। और इसके अंदर जितनी भी डिज़ाइनें दी गई है वो पूरी डिज़ाइनें बनाई गई है। मस्जिद देखने में बहुत खूबसूरत है और इसमें यहाँ पर तकरीबन 4000 लोगों ने यहाँ पर काम किया है। तो बेहतरीन मस्जिद होंगी तकरीबन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो अहाता है वो ऑलमोस्ट 30 एकड़ पे बनाया गया है इसको। हम लोग पूरा घूमने के बाद में एक रेस्टोरेंट हमको मिल गया जिसका नाम कॉफ़ी क्लब है। कॉफ़ी क्लब में अभी अंदर जाएंगे, कुछ बर्गर वर्गर कुछ ठंडा वंडा लेकर और खाएंगे पिएंगे, फिर मालूम पड़ेगा। फिर आगे उसके बाद जो अपन घुमाएंगे।
जैसा कि अभी हम लोग ने पूरी मस्जिद घूम ली है, दिन में भी रात में भी। रात में जो घूमे ये सेकंड पार्ट था, और दिन में जो घूमने वाला था वो फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट हमें हम लोग ने पूरा अंदर मस्जिद के अंदर पूरा देखे आप लोगों ने, कि जैसे ये मस्जिद 3 नंबर होने की वजह ये है कि भाई इसके अंदर देखा आपने कारपेट जो था, कारपेट सबसे बड़ा यहाँ पर कारपेट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारपेट यूएई के अंदर शेख जायद मस्जिद के अंदर है। तो इसकी कारपेट की खासियत ये थी कि, खास बात ये बता दूँ कि इसके अंदर जो था 6,000 स्क्वेयर फीट का ये कारपेट इन लोगों ने बनाया है, और ये ईरान से ये लोग ने बना कर लिया था। 1,200 औरतों ने इसको 2 साल तक के कारपेट को बनाया था, और तकरीबन इसको जैसे पार्ट पार्ट में बनाया था, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कम से कम इसको 4 महीना लग गया, और 50 से 60 आदमी लोग 4 महीना कंटिन्यू डे नाइट काम करते थे। हाँ, तो पहली वीडियो में मेरा इसका तो ये था कि दोनों वीडियो में आवाज़ इतनी खास नहीं आ पाई, क्योंकि तकरीबन ये मेरा पहला वीडियो था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो आस पास रहते हैं वो लोग मुँह देखने लगते हैं, उनको भी डिस्टर्ब होता है, तो इसके लिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोचा कि बाद में उसको अपन ऐड कर देंगे। और दूसरा ये था कि इसका जो झूमर देखा आप लोगों ने, ये 15 मीटर हाइट का झूमर था, और उसके नीचे जो एक झूमर की जो लाइटिंग दी गई थी वो 10 मीटर का था, और 8 मीटर का उसका राउंड गोलाई थी, यानी कि ये दुनिया में सबसे बड़ा झूमर ये इसको बताया गया है। और इसको जर्मन से इलेक्ट्रिशियन और जो भी आए थे डिज़ाइन वाले, ये लोग ने उन लोग से बना कर लिया है, और इसकी फुल टाइम वारंटी है लाइट की, यानी कि अनलिमिटेड दुनिया जब तक के इसकी वारंटी है, उस पर लिखा गया है और बताया भी गया है। तो हम लोग ने देखा कि रेस्टोरेंट में अभी हम लोग घूमे, सेकंड पार्ट बनाने की वजह थी कि अगला पार्ट यानी कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। मस्जिद काफ़ी बड़ी है, काफ़ी काफ़ी मीन्स बहुत बड़ी मस्जिद है, और मस्जिद के बारे में कुछ काफ़ी सारी बातें रह, तो मस्जिद के बारे में पूरी डिटेल भी नहीं दे पाए, क्योंकि मस्जिद के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा बनाना नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्ट हो जाएंगे। मस्जिद के अंदर एक सबसे अच्छी और एक खास बात यह है कि अबू धाबी के अंदर मस्जिद, इसी मस्जिद के अंदर से अजान रिलीज करते हैं पूरे यूएई के अंदर, और यहाँ पर मस्जिदों में डायरेक्ट सेटेलाइट से अजान होती है, और डायरेक्ट शेख जायद मस्जिद से ही रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पर एक रेडियो चलता है 90.8 पे, पूरे यूएई के अंदर जितना भी है कुरान शरीफ की तिलावत होती है, और वो इसी मस्जिद के अंदर लाइव पढ़ते हैं कुरान शरीफ, और उसे ही रिलीज़ करते हैं रेडियो पे। और तकरीबन 24 घंटे यहाँ पे अलग अलग मौलाना की ड्यूटी दी गई है, वो लोग कंटिन्यू यहाँ से नमाज कुरान शरीफ पढ़ते, सिर्फ अजान और नमाज के टाइम रुक जाते, बाकी 24 आवर कुरान शरीफ पढ़ते रहते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में यहाँ पे वो लोग कुरान शरीफ पढ़ते। और मस्जिद में घूमने का बहुत मज़ा आएगा, आप लोग अगर यूएई में है तो भी घूमने के लिए जाए, अगर यूएई में कभी आप लोग घूमने के लिए आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, तो शेख जायद मस्जिद मिस ना करें, बिल्कुल देखते रहे हम लोग का ZAM SAM ब्लॉग। और जितने भी लोगों ने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, दिख रहा है, और इंशाल्लाह हम लोग अगला वीडियो जो बनाएंगे वो अगला वीडियो होगा ड्रैगन मार्ट जाएंगे हम लोग, ड्रैगन मार्ट में वहाँ पे क्या क्या है बताएंगे आप लोगों को ड्रैगन मार्ट के बारे में। इंशाल्लाह अब तक के इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।